डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय नौणी में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के सलाहकार और प्रमुख डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर टी आर शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुरुआत में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट को सबके सामने साझा किया। उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के प्रयासों से ही हिमाचल को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वहीं इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ने क्लाइमेट चेंज पर बोलते हुए कहा कि हिमालयन सीजन में कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश के पूर्वोत्तर भाग में शहरी क्षेत्रों के पुरुष सदस्यों के प्रवासन, छोटी भूमि होल्डिंग्स एवं सिंचाई की कमी आदि प्रमुख समस्याएं हैं। देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट हिमालयन रीजन दे आर फेसिंग एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एरियाज द प्लेन एरिया। वन बिगेस्ट challenge that all entire Himalayan states are facing is the migration of male people from, first they migrate from village to urban areas and then they migrate down to the other urban areas for livelihood purpose. And therefore there is a changing sex ratio in some of the Himalayan areas, especially in northeast, the dominance of men. So when they are left behind, then they face different kind of challenge, and that's why gender issues are becoming very important in the Himalayan context.